हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और आप उस यूट्यूब चैनल से अर्निंग भी करते हैं, तो देखिए आपका जो चैनल है वो आपके लिए एक प्रॉपर्टी से कम नहीं है। यानी कि दोस्तों, आपके लिए आपका जो चैनल है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अब देखिए दोस्तों, आपको अपने चैनल को सेफ रखना है तो वो आप ही के हाथ में है। यानी कि दोस्तों, आप अपने चैनल को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं वो केवल आप ही समझ सकते हैं। अब दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जो अक्सर लोग करते हैं, चाहे वो अर्निंग कर रहे हों या फिर नए नए यूट्यूबर्स हों, उनके लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ गलतियाँ बताने वाला हूँ। अगर आप भी उन गलतियों को कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों आपका भी चैनल यहाँ पर डिलीट हो सकता है या हैक हो सकता है। तो उससे पहले आप इन गलतियों को सुधार लीजिए, जिससे दोस्तों आप अपने चैनल को बचा सकें। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरीके से आप मान लीजिए बाइक से कहीं जा रहे हैं और बाइक से जा रहे हैं, तो अगर आपके पास बाइक के डॉक्यूमेंट्स, हेलमेट, आपके पास शूज पहने हुए हैं, तो आपके अगर कोई भी पुलिस वाला भी आ जाता है तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों आपने सारी चीज़ों को फॉलो किया हुआ है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर कैरी किया हुआ है, आपने हेलमेट भी पहना हुआ है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों, ऐसे अगर कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको चोट तो ज़रूर लगेगी, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने हेलमेट पहन रखा है, शूज़ पहन रखे हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को सेफ रखते हैं तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप यहां से रेगुलर अर्निंग भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप गलती कौन कौन सी करते हैं, आप इनको कैसे सुधार सकते हैं, वो यहां पर समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो गलती है वो है दोस्तों सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नया नया चैनल जब बनता है तो YouTube सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन वहां पर मांगता है, लेकिन बहुत से लोग सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन को करके कंप्लीट नहीं रखते हैं। तो जब मोनेटाइजेशन करते हैं तब तो वहां पर आपको करना ही पड़ता है, लेकिन मोनेटाइजेशन से पहले आप मान लीजिए आपका कोई वीडियो वायरल हो गया और आपके चैनल पर 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 या 1,000,000 सब्सक्राइबर्स कैसे भी हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आपका इमीडिएटली चैनल हैक होने का चांस रहता है। तो आपको करना क्या है, अगर आप भी नया चैनल यहां पर स्टार्ट कर चुके हैं, आपने सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन को नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपना यूट्यूब ऐप है उसको ओपन करना है। यूट्यूब ऐप को ओपन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल वाले लोगो पर क्लिक करना है, जो कि राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाता है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है गूगल अकाउंट्स का, स्विच अकाउंट्स के बगल में आप देख सकते हैं आपको गूगल अकाउंट्स का एक ऑप्शन मिलता है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना है। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहां पर आपको सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन देखने को मिल जाता है, इसको आपको ऑन कर देना। इससे होगा क्या दोस्तों, वो भी आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपके चैनल को कोई हैक करना चाहेगा तो यहां पर होगा क्या कि आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तभी आप वहां पर लॉग इन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, कोई और भी अगर आपके चैनल को लॉग इन करना चाहता है तो उसमें उसको ओटीपी डालना पड़ेगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसको अगर नहीं डालेंगे तो आपका चैनल यहां पर ओपन नहीं होगा। तो सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन से हमको ये फायदा है। अब दोस्तों, दूसरी गलती क्या है, देखिए दोस्तों, दूसरी ये कोई गलती नहीं है, आप इससे अपने चैनल को बचा सकते हैं, बस मैं आपको यही बताऊंगा। अब दोस्तों देखिए, यहां पर आपको एक डिवाइस दिख रहा है, ये डिवाइस है, ये है दोस्तों, मैं आपको बता दूं यूबी की सिक्योरिटी की है। अब दोस्तों, सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन में अगर आप इसको लगा देते हैं तो आपका जो चैनल है वो और भी ज्यादा सेफ हो जाएगा। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग करते हैं, आपका चैनल बहुत अच्छा बड़ा हो चुका है, तो आपको यहां पर इस चीज को यूज करना चाहिए। आपको ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरे अनुमान से आपको ये जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छा यहां पर सिक्योरिटी है, ये यूपी की सिक्योरिटी की, तो दोस्तों आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए, तीसरी जो गलती है वो खासकर नए नए यूट्यूबर्स ज्यादा तरह करते हैं। तीसरी गलती क्या है, देखिए दोस्तों, आपको यहां पर कई सारे मेल्स आते हैं, कई सारे यहां पर आपने देखा होगा कि ऐसे मेल्स आते हैं कि आपको हम $100 देंगे एक वीडियो क्रिएट करने का, आपको हम $200 देंगे एक वीडियो क्रिएट करने का, या फिर $500 देंगे एक वीडियो क्रिएट करने का। आपने ऐसे बहुत सारे मेल्स देखे होंगे अगर आपको स्पॉन्सरशिप आते हैं, और उन स्पॉन्सरशिप मेल्स में आपने देखा होगा कि वो लोग कहते हैं कि आप हमारा एक वीडियो बनाइए, हमारे एप्लीकेशन का प्रमोशन कीजिए और हम आपको इतने डॉलर्स देंगे। लेकिन दोस्तों, वहां पर होता क्या है कि वो आपको फेक स्पॉन्सरशिप आते हैं। आपको यहाँ पर कई सारी लिंक्स मिलती हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको इस वीडियो की पूरी डिटेल मिल जाएंगी, इस एप्लीकेशन की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, और इससे आप वीडियो क्रिएट करने में आपको आसानी हो जाएगी। और जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं
तो आपका चैनल हैक हो जाता है, पूरा फोन हैक हो जाता है और आप अपने चैनल को खो देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर कोई भी ऐसा मेल आता है तो आपको किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है या फिर किसी भी लिंक पर आपको उस मेल में क्लिक नहीं करना है। अगर आपको कोई भी स्पॉन्सरशिप का मेल आता है तो आप डायरेक्टली उससे लिंक पर क्लिक नहीं कीजिए। आपको अगर किसी एप्लीकेशन का यहाँ पर वो करना है, प्रमोशन करना है, तो पहले उसको आप क्रोम पर, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, उसके बाद ही आप उसको आगे प्रोसेस कीजिए। तो दोस्तों तीसरी यही गलती है और इस गलती को ज़्यादातर नए यूट्यूबर्स करते हैं जिनके 1,000, 10,000, 20,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, उनको ज़्यादातर ये फेक स्पॉन्सरशिप्स आते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अगली गलती की तरफ। अब दोस्तों चौथी जो गलती करते हैं वो भी नए यूट्यूबर्स करते हैं। देखिए दोस्तों नए नए यूट्यूबर्स क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि आपके प्ले स्टोर पर बहुत सारे पेड एप्लीकेशन होते हैं या पेड सॉफ्टवेयर्स आपने देखे होंगे कंप्यूटर लैपटॉप्स की जगह यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि नए नए यूट्यूबर्स को ये चीजें नहीं पता होती है कि पेड एप्लीकेशन को फ्री में कैसे डाउनलोड करना है, इनको बताना यूट्यूब पर इलीगल होता है। अगर आप यूट्यूब पर इस तरीके से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, यानी कि दोस्तों किसी भी फ्री एप्लीकेशन को यूज़ करना, यानी कि पेड एप्लीकेशन को फ्री में यूज़ कैसे करते हैं उस तरीके की वीडियोस बनाते हैं, तो आपका चैनल यहाँ पर डिलीट हो सकता है परमानेंटली। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इस तरीके की वीडियोज़ आप अगर क्रिएट कर रहे हैं तो इस तरीके की वीडियोज़ को क्रिएट करना बंद कर दीजिए, और अगर आप वीडियो क्रिएट कर चुके हैं तो उनको भी डिलीट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों अभी तक आपको स्ट्राइक नहीं मिला है, तो आप बहुत लकी हैं कि अभी तक आपको स्ट्राइक नहीं मिला है, आप उनको अभी डिलीट कर दीजिए, आगे चलकर आपको 100% स्ट्राइक मिलेगा। तो आप यही गलती ना कीजिएगा अगर कर रहे हैं। कोई भी पेड एप्लीकेशन है, कोई पेड सॉफ्टवेयर है, तो उसको फ्री में कैसे डाउनलोड करना है उसको नहीं सिखाना है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल गलती की तरफ कि आखिरकार लास्ट हमारी कौन सी गलती है। अब देखिए दोस्तों लास्ट जो गलती है वो यहाँ पर कौन सी है। देखिए दोस्तों मान लीजिए आपने कोई नया YouTube चैनल स्टार्ट किया है और आपके चैनल पर मान लीजिए कोई एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया या कैसा भी स्ट्राइक आ गया, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्ट्राइक को देखकर घबरा जाते हैं और उसके बाद करते क्या है कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं जैसे मनोज दे हो गए, टेक चैंपियन सपोर्ट हो गए, अरविंद जोन हो गए, क्रिएटर सर्च हो गए, तो इनके पास मैसेज करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि हड़बड़ाहट में यहाँ पर डायरेक्ट इंस्टाग्राम ओपन किया और हेलो सर मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया है, हेल्प मी हेल्प मी। तो आप यहाँ पर करते क्या है कि बहुत से लोगों का आपने देखा होगा कि मनोज दे के भी फेक अकाउंट्स हैं, टेक चैंपियन सपोर्ट्स के भी फेक अकाउंट्स हैं। तो आप क्या करते हैं कि किसी भी फेक अकाउंट्स पर बहुत से लोग गलती से कर देते हैं मैसेज के हेल्प में मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गया है, और मान लीजिए आपके चैनल पर 10-20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो जो फेक अकाउंट पर आपने मैसेज किया है वो आपसे आईडी पासवर्ड मांगे और आप वहां पर आईडी पासवर्ड दे देते हैं, तो उससे होगा क्या कि आपका चैनल हैक हो जाएगा। हैक हो जाएगा तो आप अपने चैनल को खो देंगे और आपके चैनल का यहाँ पर बिल्कुल हाथ धो बैठेंगे आप अपने चैनल से, तो आपका अर्निंग वगैरह सारी चीज़ों से हाथ धो जाएगा और आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके चैनल पर स्ट्राइक आया है तो पहला स्ट्राइक 7 दिन के अंदर हट जाता है, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। पहला स्ट्राइक 7 दिन तक आप अपलोडिंग नहीं कर सकते हैं, सॉरी दोस्तों, तो पहला स्ट्राइक आने पर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ना ही घबराना है, क्योंकि दोस्तों स्ट्राइक है वो कुछ दिनों बाद हट जाती है। तो इस तरीके से आप अगर मैसेज करते हैं तो मैसेज करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। बड़े क्रिएटर्स पर आप मैसेज कर रहे हैं, स्ट्राइक आया है तो उसमें बड़ा क्रिएटर क्या कर सकता है, आपने या तो कोई गलती की होगी तब स्ट्राइक आया है, या फिर हो सकता है कोई फेक स्ट्राइक आया हो, तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। अपील करने के बाद जैसे अगर उस वीडियो में या फिर किसी भी वजह से जो स्ट्राइक आया है उसमें कोई कमी नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी, और अगर स्ट्राइक आ चुकी है तो उसमें बड़ा क्रिएटर भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप किसी फेक अकाउंट पर मैसेज कर देते हैं और आप आईडी पासवर्ड डाल देते हैं तो आप अपने चैनल से हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों आप इन गलतियों को अगर कर रहे हैं या फिर आप करने वाले हैं तो इन गलतियों को सुन लिया है आपने, आप इन गलतियों को मत कीजिएगा। अगर फिर भी आप इन गलतियों को कर देते हैं तो आप अपने चैनल से हाथ धो बैठेंगे। तो दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली ही वीडियो में आपके लिए कुछ नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।